हेलो दोस्तों, आपने मिल्टन का नाम सुना होगा और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी शख्स होगा इंडिया में एटलीस्ट जिसने मिल्टन के प्रोडक्ट यूज़ ना किए हो। ओके, अगर आपने यहाँ पर आप लंच बॉक्स ले जाते हैं तो मोस्टली लोगों की पसंद मिल्टन होती है सबसे पहले। क्यों? इसके अलावा आप घर में बॉटल्स रखते होंगे फ्रिज में। ओके, वो जो बॉटल्स होती है मोस्टली मिल्टन की बनी होती है, या बहुत सारी चीज़ें मिल्टन की यहाँ पर आपको घर में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मिल्टन एक बेहतरीन ब्रांड है। ओके, और इसके नाम से ही चीजें यहाँ पर सेल आउट होती हुई नजर आती है। मोस्टली पैन इंडिया यहाँ पर हर जगह पर आपको इसके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और आज हम बात करने वाले इसी स्टॉक्स की, जो कि 10 रुपए का यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है और काफी बेहतरीन फंडामेंटल बट और यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आ सकते हैं फ्यूचर में। तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो इसी चीज से रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तब भी जब भी हम इस तरीके की वीडियो बनाए सबसे पहले आपको वीडियो मिले, आप यहाँ पर देख सके। एक वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रही है जिसमें मैंने ब्रेकआउट स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करी है, देख लीजिएगा। एक वीडियो यहाँ पर ये है, इस वीडियो को भी जाके देखिए, काफी नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी और चीजें समझ में आएगी कि किस तरीके के टेक्निकल के बेसिस पे आप चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मिल्टन के स्टॉक से रिलेटेड। तो सबसे पहले स्टॉक है कौन सा, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर जिस कंपनी से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है एमपीएल प्लास्टिक। एमपीएल प्लास्टिक 10 रुपए का ये स्टॉक्स है। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो देखिए, विद मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मिल्टन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर विद इन द ऑर्गेनाइज्ड प्लास्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया। ओके, और कंपनी इज इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन पुणे एंड सिलवासा दैट हैज बीन अवार्डेड ओके एंड सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं कि लगभग 30 साल से ज्यादा इस कंपनी को हो चुके हैं और मोस्टली यहाँ पर आप देखेंगे तो हर एक के घर में यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स मिलते हुए नजर आएंगे। इसी चीज से रिलेटेड यहाँ पर बताया रखा है, टूडे मिल्टन इज ट्रस्टेड ब्रांड अमॉन्ग द कंज्यूमर ऑफ ओवरटली सिनोनिमस विद गुड क्वालिटी। तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हुए नजर आते हैं। प्रोडक्ट्स में भी आप जाएंगे तो आपको पता चलेगी, देखिए वैक्यूम फ्लास्क ओके हर तरीके के यहाँ पर मिलते हुए नजर आते हैं। कैसरोल्स जो कि आप यहाँ पर देखते हैं खाना परोसने में, खाना रखने में जिसका यूज होता है यहाँ पर, देखिए टिफिन्स इसके सब लेना पसंद करते हैं, वाटर बॉटल्स एज वेल एज वाटर जग्स। तो यहाँ पर शुरू से ही लोगों की पसंद मिल्टन के प्रोडक्ट्स रहे हैं। ओके, और मिल्टन के प्रोडक्ट्स ब्रांडेड भी होते हैं ओके, और काफी अच्छे यहाँ पर माने जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पर प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। तो जिस ये कंपनी बेचती है मिल्टन के प्रोडक्ट, ये कंपनी बनाती है मिल्टन के प्रोडक्ट्स। कंपनी की मार्केट कैप की बात करूं, 11 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, माइक्रो कैप कंपनी है। इस चीज को आप यहाँ पर याद रखिएगा क्योंकि ऐसी कंपनी में डर भी थोड़ा ज्यादा रहता है और रिटर्न मिलते हैं तो दबा के रिटर्न मिलते हैं। अगर आपको मिल्टन पे भरोसा है तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक्स पे भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो कंपनी के ऊपर डेट फ्री है कंपनी नजर आती है। पी यहाँ पर 32 का और शेयर यहाँ पर 16 से करेक्ट होके 9.5 पे चल रहा है। और शेयर अगर हम देखें तो अपर सर्किट लोअर सर्किट पे यहाँ पर चलता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर देखिए, एमपीएल प्लास्टिक लिमिटेड कैरीज आउट द एक्टिविटी ऑफ जॉब वर्क प्रोसेस वर्क ऑफ प्लास्टिक एंड थर्मोवेयर प्रोडक्ट जो बनाती है ना मोस्टली, सबसे पहले इसी पर्टिकुलर कंपनी में बनाते हुए दिखाई दिए थे। और इन सभी चीज से हम रिलेटेड बात कर चुके हैं कि ये प्रोडक्ट्स यही बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल कंपनीज 12.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच अलॉटेड टू प्रमोटर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस आर प्रेटेंट पेंडिंग फॉर लिस्टिंग विद बीएससी लिमिटेड। तो यहाँ पर बीएससी के साथ पेंडिंग भी है। इसके अलावा रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें, केवल 10% यहाँ पर आता है इनका किससे, प्रोडक्ट जो सेल करते हैं, एज वेल एज बात की बात करें 90% सीधे अदर इनकम होती ही नजर आती है। तो इसलिए इस पे देख के थोड़ा सा घबरा मत जाइएगा कि यहाँ पर कंपनी रिटर्न्स कुछ नहीं दे रही है। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2000 कब से, 2005 से ये कंपनी है। और ऊपर नीचे देखिए, जैसे कि मैं आप बता चुका हूँ माइक्रो कैप कंपनी है, माइक्रो कैप का काम ही यही है कि ऊपर नीचे करना ओके, जिगजैग मोशन पे ही यहाँ पर चलते रहना, मतलब तेजी होगी तो एक साथ तेजी होगी ओके, और गिरावट होगी तो एक साथ गिरावट होगी। तो इस तरीके से ये शेयर चलता हुआ नजर आता है। तो मतलब अपर सर्किट लोअर सर्किट का ही खेल है।
अब इसके रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको आप निराश हो जाएंगे, इसके रिजल्ट की सेल्स तो बिल्कुल भी नहीं है और काफी सालों से यहाँ पर सेल्स नहीं है। ओके, एज वेल एज जो कि मैं ऊपर बता ही चुका हूँ कि कंपनी की सेल्स से केवल 10%, बाकी 90% अदर इनकम। तो यहाँ पर अदर इनकम देखेंगे तो 79 करोड़, ओके 104 करोड़, तो अदर इनकम से यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बनते हैं। इसलिए यहाँ पर ईपीएस भी देखेंगे, कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 60 रुपए का ईपीएस, फिर 71 रुपीज का ईपीएस, और यहाँ पर कंपनी का देखेंगे लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दे रही थी। बस 2021-22 में देखें तो 0 यहाँ पर कंपनी की सेल्स है, बट कंपनी की अदर इनकम 183 और हाईएस्ट एवर यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर रिजर्व्स देखें, कंपनी के रिजर्व्स देखिए, कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव थे ओके ऑलवेज, बट यहाँ पर धीरे धीरे कंपनी के रिजल्ट्स नेगेटिव से जीरो की तरफ आने शुरू आने वाले हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। इसके अलावा बोरोइंग की बात करें तो कंपनी की बोरोइंग लगभग लगभग 266 करोड़ के आसपास थी, जो कि यहाँ पर अभी देखेंगे तो 1 करोड़ लगभग डेट फ्री कंपनी है। ये पॉजिटिव चीज है, देखिए ये पॉजिटिव ओके कंपनी यहाँ पर लगातार अदर इनकम से अच्छा पैसा कमा रही है, वो पॉजिटिव। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, और यहाँ पर कैश की बात करें तो कंपनी का लगभग 31 लाख का कैश भी पड़ा हुआ है। अब देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 24% की है, ओके यहाँ पर पिछले 1-1.5 साल में बात करें तो थोड़ी कम करते हुए नजर आई है, बट यहाँ पर बात करें पब्लिक की 76% की शेयर है, और उसमें देखें तो कुछ बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी दी है और कुछ लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आया है। तो इस शेयर की तरफ ध्यान तो रखना है, बट आंखें बंद करके, पैनी स्टॉक है तो पैनी स्टॉक की तरह ट्रीट करिएगा। अगर पैसा ज्यादा नहीं है आपके पास ओके और आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो इससे दूर रहिएगा, क्योंकि ये रिस्क ही स्टॉक है। इस चीज को मैं बार बार बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सेल्स बिल्कुल नहीं है, बट बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर होते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसका नाम मिल्टन, ओके एमआरपीएल का मतलब ही है मिल्टन प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ओके प्लास्टिक के ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर देखेंगे कंपनी, देखिए अपर सर्किट में गई, फिर यहाँ पर लोअर सर्किट लगा, ओके अगेन यहाँ पर कंपनी ने अपर सर्किट लगाना शुरू कर दिया है। तो ये अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला खेल है ओके, और जब तक अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला खेल है तब तक ही यहाँ पर चीजें चलती हुई नजर आती हुई दिखाई देगी। और बट कंपनी के नंबर अच्छे खासे आते हुए दिखाई दिया, अदर इनकम से जरूर कमाया बट स्टिल अदर इनकम से पैसा है मार्केट में इन्होंने अच्छा खासा कमाया, और मिल्टन के प्रोडक्ट एक्चुअली यहाँ पर सेल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं कुछ टाइम से यहाँ पर, जैसे कि ये प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाती हुई नजर आती है ओके। तो प्लास्टिक यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया है, आप भी देखते होंगे ओके, इसकी जगह स्टील ने ले लिया है, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स ने, यहाँ पर दूसरे मेटल ने यहाँ पर लेती हुई नजर आई है, बट धीरे धीरे चीजें यहाँ पर और ये अपने चेंजेस करते हुए नजर आ रहे हैं पूरे प्रोडक्ट में, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखें अपर सर्किट लोअर सर्किट का खेल है, तो अपर सर्किट जब ये शेयर नीचे हो सबसे नीचे ओके उस टाइम यहाँ पर जैसे कि इस लेवल पे था तो इस लेवल पे यहाँ पर खरीदने के बारे में सोच सकते थे, यहाँ पर था तो इस लेवल पे हम खरीदने के बारे में सोच सकते थे, बट अभी यहाँ पर अपर सर्किट में चल रहा है तो शायद हम यहाँ पर ऑर्डर लगा के छोड़े तो ऊपर के लेवल पे फंस जाए और सीधे यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दे, तो इस चीज को भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसे तेजी होने के लिए लगभग 11.30 रुपए का यहाँ पर हाई लगाना बहुत जरूरी है, और ऑब्वियसली बात है अपर सर्किट का शेयर है तो ये चीजें तो यहाँ पर नॉर्मल चलेगी। तो अभी बाइंग करना है बिल्कुल नहीं करना, कब बाइंग करना है अगर ये चीजें दोबारा इस लेवल रेंज में मिल जाए या इस रेंज में मिल जाए उस टाइम हम यहाँ पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, बट अभी बिल्कुल नहीं करना, और यहाँ पर रिस्क जो ले सकता है उस वही इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में यहाँ पर उठता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एमपीएल प्लास्टिक। काम क्या करता है, मिल्टन प्रोडक्ट्स आपको पता ही है, मिल्टन के प्रोडक्ट यहाँ पर सेल आउट करता हुआ दिखाई देता है, मिल्टन के प्रोडक्ट बनाता है, और सारे आपको बता दिया है कि डेट फ्री ये शेयर है ओके, लगभग 1 करोड़ का ही डेट है। रिजर्व्स की बात करें नेगेटिव में इसका रिजर्व्स है ओके, बट रिजर्व्स भी नेगेटिव से जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं और बोरिंग तो जीरो की तरफ बढ़ी गई है, तो ये सारे के सारे इसके पॉजिटिव फैक्टर है। वीडियो अच्छी लगे और इस तरीके के स्टॉक्स और आपको चाहिए कि आपने ऐसे नाम तो सुना है मिल्टन का बट आपको पता नहीं था कि मिल्टन का प्रोडक्ट्स यहाँ पर शेयर यहाँ पर है, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे शेयर आपके लिए मैं लाता रहूंगा। इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।